हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योत्सनाज यमी किचन। ये देखिए कितना कलरफुल और क्रीमी लग रहा है हमारा कस्टर्ड, और ये खाने में बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। ये बहुत हेल्दी होता है और सबको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चे तो इसको बहुत खुश होकर खाते हैं, और इसी बहाने वो बहुत सारे फ्रूट्स भी खा लेते हैं। कस्टर्ड बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी से बन भी जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इसको बनाने में। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए हम लेंगे आधा लीटर दूध, एक केला, थोड़े से अनार और आधा कीवी। आप चाहे तो ग्रीन ग्रेप्स भी ले सकते हैं, बट यहाँ मार्केट में ग्रेप्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने कीवी ले लिया है। साथ ही मैंने लिया है आधा एप्पल और कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, वो भी कस्टर्ड में अच्छे लगते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें दूध डाल लेंगे। इस आधा लीटर दूध में से मैंने आधा कप दूध पहले ही निकाल लिया है, जिसमें हम बाद में कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। दूध को हमें बॉयल करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें। चलिए जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम इस आधा कप दूध में कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लेते हैं। ये मिल्क रूम टेम्परेचर पे है, आप चाहे तो ठंडा दूध भी ले सकते हैं। हम इसमें 2 टेबलस्पून यानी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जरा भी लम्ब नहीं फॉर्म होने चाहिए और ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। ये दूध रूम टेम्परेचर पे या ठंडा ही होना चाहिए, अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो इसमें लम्ब फॉर्म हो जाएंगे। ये देखिए बहुत आसान से बिल्कुल स्मूथ घोल बन गया है, इसको साइड पे रख लेते हैं। दूध बॉईल हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगी चीनी। मैंने यहाँ 5 टेबलस्पून चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा इसको एडजस्ट कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। कस्टर्ड पाउडर का घोल हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ मिक्स करते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और कस्टर्ड स्मूथ नहीं बनेगा। ये देखिए इस घोल को इस तरह डालते डालते मिक्स करते रहना है। अब हम इसको लो फ्लेम पे ही लगातार 2-3 मिनट मिक्स करते रहेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये थोड़ा थिक हो गया है, हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने पे बाद में और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ये देखिए कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं थोड़े से फ्रूट्स अभी ऐड करूंगी और बाकी से लास्ट में गार्निशिंग करूंगी। आप चाहें तो बाद में खाते टाइम भी सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक केला, थोड़े से अनार, आधा कीवी और आधा एप्पल। आप चाहें तो और भी अपने पसंद के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इन सबको कस्टर्ड में डालकर हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको फ्रिज में एकदम ठंडा होने के लिए 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए 3 घंटे हो गए हैं, कस्टर्ड बिल्कुल चिल्ड हो गया है और कितना क्रीमी लग रहा है ये। अब इसको छोटे बोल में सर्व कर लेते हैं। कितना ज़्यादा कलरफुल और यमी लग रहा है हमारा कस्टर्ड। आपको भी इसको देखकर खाने का मन ज़रूर हो रहा होगा ना? तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं ये आपको कैसी लगी। अब हम ऊपर से थोड़े से एप्पल और अनार से इसको गार्निश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।